नमस्ते, उमंग में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ वंशज। और मैं हूँ रिया। रिया, तुमने कभी रसगुल्ले खाए हैं? हाँ। कितने सुंदर लगते हैं ना, सफेद सफेद रसगुल्ले। हाँ, मीठे मीठे रसगुल्ले। जब पापा रसगुल्ले लाते हैं ना, मैं किसी को भी नहीं देती। तुम सारे रसगुल्ले अकेले खा जाती हो? हाँ। ये गलत बात है रिया, हमें मिलजुल कर खाना चाहिए। मैं क्यों दूँ किसी को? चलो आज एक कहानी सुनते हैं। रसगुल्लों पर? हाँ, उसके बाद तुम सबके साथ रसगुल्ले बांट के खाओगी। आज कहानी सुनते हैं रसगुल्लों पर। आज नंदू कुछ ज्यादा ही खुश था, क्योंकि उसके पापा सफेद सफेद गोल गोल रसगुल्ले जो लाए थे। नंदू के मुंह में देखते ही पानी आ गया और वो रसगुल्लों की ओर लपका। जैसे ही उसने खाने के लिए बड़ा सा मुंह खोला, तभी उसके दोस्त चंदू की आवाज आई। नंदू, ओ नंदू, आओ चलो खेलने चले। क्योंकि ये नंदू के खेलने का वक्त था, पर नंदू तो रसगुल्ले खाने के लिए आतुर था, क्योंकि नंदू को रसगुल्ले बहुत पसंद थे। चंदू की आवाज जैसे ही नंदू के कानों में पड़ी, नंदू चौंक पड़ा और मन ही मन बोला, हे भगवान, इसे भी अभी आना था, अब इसको भी रसगुल्ले खिलाने पड़ेंगे। अब नंदू रसगुल्लों को छिपाने की नई 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 तरकीबें सोचने लगा कि इन रसगुल्लों को कहाँ रखा जाए। तभी उसके मन में एक विचार आया, ऐसा करता हूँ कि इनको जल्दी जल्दी खा लेता हूँ। अब चंदू लगातार नंदू को बुलाए जा रहा था। आया चंदू, आया, बस दो मिनट। इस हड़बड़ी में पता है क्या हुआ, नंदू ने रसगुल्ले संदूक में रख दिए और कहा, बस आ गया, आ गया। उधर चंदू ने सोचा, पता नहीं नंदू क्या कर रहा है, आवाज तो अंदर से आ रही है, न जाने अंदर बैठा बैठा क्या कर रहा है। तभी सामने से नंदू आता दिखाई दिया। दोनों ने एक दूसरे का हाल जाना और चंदू ने उसे खेलने जाने के लिए कहा कि सभी बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं। चलो ना नंदू, जल्दी चलो, देखो सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। नंदू ने कहा, नहीं आज मन नहीं है खेलने का, तुम जाओ, हो सका तो मैं थोड़ी देर में आऊंगा। चंदू उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता था और उसका हाथ पकड़कर खेल के मैदान की ओर ले जाने लगा। चलो ना, चलो ना, अरे मेरी मेरी बात तो सुनो, चलो। नंदू ने कहा, अरे पर मेरा मेरा हाथ तो छोड़ो। चंदू बोला, नहीं छोड़ूंगा, बस तुम ऐसे ही चलो। पता है बच्चों, नंदू खेल के मैदान में खेल तो रहा था, लेकिन नंदू का मन घर में रखे रसगुल्लों में लगा हुआ था। काफी देर खेलने के बाद नंदू खेलने से ऊबने लगा। अब उसने खेलने से मना कर दिया। उसके दोस्तों ने कहा, ये आज तुम्हें क्या हो गया, थोड़ी देर और खेल लो। ठीक है बच्चों, करीब दो घंटे और खेलने के बाद नंदू ने कहा, बस बस अब बस। उसके दोस्तों ने फिर जोर दिया
कि और खेल लो, इस बार उसने किसी की बात नहीं मानी और नंदू पेट पकड़कर बैठ गया। मेरे पेट में ना बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे अब घर जाना चाहिए और माँ भी इंतजार कर रही होगी कि पता नहीं नंदू कहाँ चला गया। ये बात सुनकर बच्चों ने भी घर जाने का मन बना लिया। थोड़ी देर बाद सभी अपने अपने घर चले गए। अचानक चंदू को याद आया कि नंदू उसका बल्ला ले गया है, इसलिए मुझे नंदू के घर जाना चाहिए। उधर नंदू घर पर पहुंचता है, संदूक की ओर जाकर संदूक खोलता है और झट से रसगुल्ले उठाकर खाता है। अरे ये क्या, इनमें तो सड़न हो गई है, ये तो खट्टे खट्टे लग रहे हैं। नंदू सारे रसगुल्ले थू थू करके थूक देता है। इतने में ही चंदू आ जाता है। नंदू, मेरा बल्ला तुम्हारे पास रह गया है, मैं लेने आया हूँ। और ये क्या, ये तुम रसगुल्ले क्यों खा रहे हो, तुम्हारे तो पेट में दर्द था ना। तब नंदू सक पका जाता है और कहता है, ये रसगुल्ले वो खट्टे हो गए हैं, वो हाँ पेट में हाँ दर्द था वो। चंदू पूछता है, खट्टे खट्टे कैसे हो गए? वो हाँ पेट में ना वो मैंने ना रसगुल्ले वो मैं इन्हें संदूक में छुपा कर चला गया था। तब चंदू को नंदू की सारी चालाकी का पता चला और कहा, तभी तुम सुबह आनाकानी कर रहे थे और तुम्हारा मन खेलने में भी नहीं लगा। इस बात पर नंदू शर्मिंदा सा हो जाता है। अरे बुद्धू, ये रसगुल्ले गर्मी से खराब हो गए हैं, इसलिए ऐसे हो गए हैं। नंदू ने चंदू को समझाया कि जो मजा मिलजुल कर खाने में है वो किसी और चीज में नहीं। ना तुम रसगुल्ले छुपाते और ना ये खराब होते, और हम दोनों मिलजुल कर खाते। तो बच्चों, इस कहानी से तुमने क्या सबक लिया? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कोई भी कार्य सबके साथ मिलजुल कर करना चाहिए, चाहे वो कार्य खाने का ही क्यों ना हो। अब बताओ रिया, तुम सबके साथ मिलजुल कर रसगुल्ले खाओगी? रसगुल्ले ही का, मैं सब चीजें मिल बांट कर खाऊंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब ये बताओ, इस कहानी का क्या नाम रखें? इस कहानी का नाम रखते हैं रसगुल्ले खट्टे। हाँ, रसगुल्ले खट्टे, ये नाम अच्छा है। तो अगली बार फिर मिलेंगे, अब चलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते। अभी आप सुन रहे थे उमंग बाल पत्रिका का ये अंश। कलाकार ध्वनियांकन बटिलांग लिंदो, आलेख वाचन निर्माण निर्देशन और ध्वनि संपादन गीतिका उनियाल, प्रस्तुति CIET NCERT।